दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल होते हैं तो उनके बीच जो बेसिकली डिफरेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा प्रोकैरियोट्स होता है वो हमारा ऑलवेज जो हमेशा वो यूनिसेलुलर होता है, और जब यूकैरियोट्स होता है वो हमेशा यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। और जो हमारा दूसरा डिफरेंस है वह इनके साइज़ के ऊपर है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो उनकी साइज़ होती है वो 0.1 नैनोमीटर से लेकर 2.0 नैनोमीटर तक होती है। इसके बाद से यहाँ पर हम जब बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो इनका साइज होता है वो 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक के डायमीटर के होता है। अब बात करते हैं इसके जो तीसरा डिफरेंस है। तो इसका तीसरा डिफरेंस ये है कि जो इसके जो प्रोकैरियोट्स के जो सेल वॉल होते हैं वह केमिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रजेंट होते हैं, और जबकि हमारा जो यूकैरियोट्स है उसके जो सेल वॉल होते हैं वो सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। और बात करते हैं अब डीएनए अरेंजमेंट के बेसिस पे, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो डीएनए अरेंजमेंट होता है वो सर्कुलर होता है, और जबकि हमारा यूकैरियोट्स होता है तो उनका जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है। और जब बात करते हैं पांचवे डिफरेंस के, तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हमारे प्रोकैरियोट्स में, और जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और बात करते हैं छठा जो डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो इसमें राइबोसोम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में, और वो स्मॉलर साइज में होते हैं और स्फेरिकल शेप होता है वो जनरली ये गोलाकार शेप होता है ऐसे, तो ये उसी के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और जब बात करते हैं राइबोसोम जो हमारे यूकैरियोट्स में होते हैं, तो ये प्रोकैरियोट्स के मुकाबले इनका जो साइज होता है वह यूकैरियोट्स में ज़्यादा मात्रा में बड़े साइज में पाए जाते हैं और लीनियर फॉर्म में पाए जाते हैं। लीनियर हो गया ऐसे में हमारे ये तो हो गया, तो इसके फॉर्म में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो सातवां डिफरेंस है, तो जो सेल डिवीजन होता है वह बाइनरी फ्यूजन, यहाँ पे मिस्टेक होगा, यहाँ पर एफ के बाद यू होगा, यहाँ पर एफ यू डबल एस आई यू ये होगा। और जबकि हमारा जो यूकैरियोट सेल होते हैं उसमें माइटोसिस के द्वारा हमारा सेल डिवीजन होता है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि जो सेल में डिवीजन होता है वह माइटोसिस और मियोसिस दोनों द्वारा होता है। तो जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं इनमें जो सेल डिवीजन होता है वह माइटोसिस के द्वारा होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पर, तो हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जबकि हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और अब बात करते हैं इसका नवा जो डिफरेंस है सेकंड लास्ट, तो इसमें क्रोमोसोम के बेसिस पर, तो क्रोमोसोम क्या होता है कि इसमें हमें सिंगुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम होते हैं वह एक से ज़्यादा होते हैं, 2, 3, 4, 5, और जिसमें पता ही होगा कि क्रोमोसोम होते हैं वह 23 पेयर पाए जाते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो ये हमारा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस रहा। बात करते हैं जो हमारा आखिरी डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो जो मेम्ब्रेन होते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो ऑर्गन सेल मेम्ब्रेन एक बोल सकते हैं उसे, जो भी सेल ऑर्गेनेल है उनके आसपास पाए जाते मेम्ब्रेन होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, जबकि हमारे जो यूकैरियोट्स होता है उसमें मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनल्स के आसपास सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडीज, गॉल्गी अपैरेटस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, तो इन सब के आसपास जो एक मेम्ब्रेन पाया जाता है तो ये सिर्फ यूकैरियोट्स में ही पाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का अपना टॉपिक डिफरेंस जो होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैंने आपको इजीली वे में बताने की कोशिश किया है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो
तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।